कर लिया जा सकता है फैसला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, बैठक में गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का हो सकता है फैसला। किसानों को लेकर लिया जा सकता है फैसला, बैठक में गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर लिया जा सकता है फैसला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। किसानों के हक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का हो सकता है कैबिनेट बैठक में फैसला। किसानों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, किसानों को लेकर आज मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। किसानों को लेकर अहम फैसला सामने आ सकता है, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी, उस पर आज फैसला मोदी कैबिनेट के द्वारा लिया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की आज बैठक होनी है, प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ ही साथ किसानों का मुद्दा अहम है, किसानों को लेकर लिया जा सकता है फैसला, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर आ सकता है फैसला। राजधानी दिल्ली से खबर, मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज। किसानों को लेकर आ सकता है अहम फैसला, गेहूं पर एमएसपी को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, उस पर आज चर्चा हो सकती है और मोदी कैबिनेट के द्वारा इस पर फैसला लिया जा सकता है। एक तरफ देश का किसान आंदोलनरत है 3 कृषि कानूनों के बिलों की वापसी को लेकर, दूसरी तरफ मोदी सरकार आज कैबिनेट की बैठक कर किसानों के फायदे के एवज में आज फैसला ले सकती है। गेहूं की एमएसपी को लेकर भी किसान आंदोलन में कई बार मांग उठाई गई, उसको लेकर आज फैसला लिया जा सकता है। गेहूं की एमएसपी बढ़ाने को लेकर अहम फैसला बैठक में लिया जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे बने हुए हैं। जी अमित, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है और माना जा रहा है कि खास तौर से किसानों को लेकर लंबे समय से जो बात चल रही है उस पर फैसला आ सकता है, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर आज फैसला आ सकता है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, पहले की बात करें तो तमाम सरकारों ने गन्ने के मूल पे एमएसपी बढ़ाई है और ऐसे में आज जो कैबिनेट की बैठक 11 बजे होने जा रही है उसमें रबी की फसल को लेके खासतौर पर सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है। रबी की फसल के दामों को बढ़ाया जा सकता है, एमएसपी को निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि किसान लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मेन मांग जो है वो एमएसपी को लेके ही है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे। तो ऐसे में कैबिनेट की मोहर जो है वो रबी की फसल की एमएसपी को लेके लग सकती है। दूसरा, टेलीकॉम और इंटरनेट सेक्टर की बात करें तो इन्हें लेके भी सरकार बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को लेके भी काफी सारी चीजें जो है वो लगातार पेंडिंग में है और तमाम कंपनियां दबाव बना रही हैं। सरकार जो है वो जिस तरह 5G टेक्नोलॉजी की बात लगातार हो रही है देश में, कैसे उसे एस्टेब्लिश किया जाए, तो इसे लेके भी कैबिनेट में आज कुछ अहम डिसीजन लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है गेहूं को लेकर, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि फैसला सामने आ सकता है, बैठक कितने बजे से शुरू होगी और साथ ही साथ इस बैठक में इसके अलावा भी क्या अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वो 11 बजे शुरू होगी और कैबिनेट का एजेंडा जो है तमाम आने वाली चीजों को लेकर होता है कि आखिरकार सरकार आगे क्या कुछ करना चाहती है। कैबिनेट की बैठक में जिन चीजों पर मोहर लगती है उसी हिसाब से आगे की चीजें इम्प्लीमेंट होती है, चाहे तमाम मूल्यों की बात करें या नए बजट को लेके, तमाम सेक्टर में नए बजट को लेके बात की जाए। हालांकि उम्मीद कम है, जो कैबिनेट की बैठक होती है तो उसका एजेंडा जो है वो पहले से क्लियर नहीं होता है। जब बैठक हो जाती है उसके बाद फिर सरकार के प्रवक्ता जो है वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं कि आखिरकार कैबिनेट ने क्या क्या डिसीजन लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में उन चुनावों के मद्देनजर भी उन प्रदेशों को देखते हुए भी सरकार कोई नई घोषणा करे। लेकिन सरकार की फिलहाल जो प्राथमिकता है, जो
हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें मेन एजेंडा जो है वो रबी की फसल को की एमएसपी निर्धारित करने का ही है। इसके साथ में कई सारे बिंदु होते हैं जो कि कैबिनेट में बैठक में रखे जाते हैं, किन बिंदुओं पे चर्चा होनी है इसे प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, तो उन विषयों पे चर्चा होती है और उसके बाद फिर कैबिनेट की मोहर लगाई जाती है। जी, इसके अलावा अमित, जिस तरह से किसानों को लेकर बैठक में अहम फैसला सामने आ सकता है और कहीं ना कहीं ये मुख्य एजेंडा भी होगा बैठक का, किसान महापंचायत जिस तरह से चल रही है, किसान नेता राकेश टिकैत लगातार 3 कृषि कानून के बिलों की वापसी को लेकर बात कर रहे हैं, क्या मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में ये फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं रुख में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है? क्या किसानों के बीच और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकलने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, कैबिनेट में सरकार के एजेंडे को लेके मोहर लगाई जाती है, रूल्स रेगुलेशन बजट को लेके बातें होती है, ये खासतौर पर हम किसानों की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें तो इस तरह की चर्चाएं मैं सिर्फ चर्चा के रूप में ही होती है, इनका कोई ऑफिशियल औचित्य वहां पे नजर नहीं आता, क्योंकि कैबिनेट जो है तमाम नियमों को तमाम संशोधनों को पारित करती है, उसके बाद उन्हीं संशोधनों के जरिए लोकसभा में और राज्यसभा में यानी संसद में वो कानून बनाया जाता है। यहाँ पे जो चर्चा है वो एक अमूमन एक सामान्य चर्चा जरूर कही जा सकती है, चाहे वो किसानों को लेके या अन्य मुद्दों को लेके हो, लेकिन कैबिनेट में इस तरह की चीजें जो है वो सामने नहीं दिखती है। खासतौर पे मंडियों को मजबूत करने के लिए पहले जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि किस तरह सरकार ने एक बड़ा बजट पेश किया और तमाम जो देश में अनाज मंडियां हैं उन्हें मजबूत करने की बात कही थी, किसानों की उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की थी जिसमें किसान लगातार कह रहे थे कि सरकार मंडियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, एमएसपी को लेकर लगातार किसान जो आंदोलन कर रहे हैं गन्ने के मूल्य के बाद, अब जो है वो रवि की फसल की बात हो रही है, खरीफ की भी फसल होती है, तो अलग अलग जो सीजनल तमाम फसलें हैं उन फसलों को लेकर डिसीजन लेना होता है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बताया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रवि की फसल को लेकर बात हो सकती है, इसमें गेहूं और तमाम अनाज जो इस तरह के अनाज जो है रवि की फसल में आते हैं, तो ऐसे में इनका मूल्य निर्धारण जो है वो सरकार कर सकती है, जिससे कि जो किसान तमाम किसान चाहे कल करनाल में जो आंदोलन देखने को मिला, जो महापंचायत देखने को मिली, सरकार के प्रवक्ता तमाम लोग जो है वो एक किसानों के ऊपर एक दबाव बना सके और किसानों को जवाब दे सके कि किसानों के जितने भी भ्रम है जितनी भी गलत फहमियां हैं जिन्हें लेके किसान लगातार चर्चा कर रहे हैं वे सब गलत है और सरकार अपने एजेंडे पे किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी दिल्ली से खबर है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों के साथ ही साथ किसानों को लेकर भी फैसला सामने आ सकता है, रबी की फसल को लेकर एमएसपी बढ़ाने को लेकर फैसला सामने आ सकता है। और इसके बाद बात करेंगे रायपुर की, सीएम के पिता नंद कुमार बघेल को कोर्ट में